Hey guys, welcome back to my channel and I hope you guys are doing great. तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो कोई स्किन केयर या फिर हेयर केयर रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोडक्ट रिव्यू है, लेकिन ये एक हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोडक्ट है, बेसिकली एक हेल्थ ड्रिंक है। तो आजकल मार्केट में बहुत चला हुआ है कि बहुत सारा पाउडर्स एंड ऑल मिलता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन पाउडर हो गया या फिर कोलेजन प्रोडक्शन के लिए जो पाउडर्स वगैरह है, बहुत सारे ब्रांड्स का अवेलेबल है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट इन अमेजन एंड फ्लिपकार्ट में भी मिल रहा है। तो और पीसीओएस के लिए, पीसीओएस को रेमेडिएट करने के लिए भी बहुत सारे पाउडर्स एंड ऑल मिल रहा है। तो सिंस मैं अपने एज के लेट 20s में पहुंच गई हूँ, तो मुझे लगा कि आई शुड ट्राई अ कोलेजन बिल्डर, बिकॉज कोलेजन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर बॉडी। तो इसीलिए मैं अभी कुछ ही दिन से ये कोलेजन बिल्डर यूज कर रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड जस्ट हर। यू कैन सी द पैकेजिंग। तो मैं इसको यूज कर रही हूँ, तो अराउंड 13-14 डेज हो गया मैं इसको ले रही हूँ एंड मुझे लगा कि नाउ आई एम रेडी कि आप लोगों के साथ इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट जो भी है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो इसीलिए मैं आज का ये रिव्यू वीडियो बना रही हूँ। तो बेसिकली हम लोग पहले समझेंगे कि कोलेजन होता क्या है। तो बेसिकली कोलेजन होता है, कोलेजन एक बॉन्ड टाइप का फॉर्म करती है हम लोग के स्किन के ऊपर या फिर एंटायर बॉडी में, हम लोग के एंटायर बॉडी में एक बॉन्ड टाइप का मतलब प्रोड्यूस करती है। तो बेसिकली जब बॉडी कोलेजन प्रोड्यूस करना थोड़ा थोड़ा बंद कर देती है, क्योंकि यंग एज में बॉडी ज्यादा कोलेजन प्रोड्यूस करती है, इसीलिए हम लोग का स्किन वगैरह बहुत टाइट रहता है। तो जब जब एज होते जाता है तो बॉडी कोलेजन प्रोडक्शन कम कर देती है, तो उसी वजह से हम लोग के स्किन में जो रिंकल या फिर सैगिंग वगैरह है वो आ जाती है, गम्स वीक हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा छोटा सा भी खरोच या फिर छोटा सा भी डैमेज होता है तो तुरंत खून निकलने लगता है। तो इसीलिए हम लोग के बॉडी को कोलेजन की बहुत ज़रूरत है, ताकि रिंकल्स वगैरह नहीं आए स्किन पे, स्किन टाइट रहे, हेयर एंड एंटायर गम्स वगैरह सब कुछ ठीक रहे। तो बॉडी विटामिन सी की प्रेजेंस में कोलेजन को बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करती है। तो हम लोग वही देखेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट जस्टिफाइड है कि नहीं कोलेजन प्रोडक्शन में, मतलब एज द क्लेम तो वो जस्टिफाइड है कि नहीं, वही हम लोग देखेंगे। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं इसका इंग्रेडिएंट्स, इसका प्राइसिंग, इसका पैकेजिंग और लेना कैसे है, कब है, एंड इंग्रेडिएंट्स में मैं इलैबोरेटली इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये व्हाइट एक जार में आती है एंड इसका वेटेज है 250 ग्राम। इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर नहीं था, सिर्फ लिड कवर किया हुआ था। तो मैंने इसको यहाँ से खोला है, मतलब ये वाला सील हटा के मैंने इसको खोला है और इसके अंदर एक लिड टाइप का था जो मतलब ये ऐसे मटेरियल से बनता है, तो इसको खोल के मैंने रख दिया है। तो अगर प्राइसिंग की बात करें तो यू गेट 250 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस्ड एट ₹899। तो मुझे थोड़ा सा कम पड़ा था क्योंकि मुझे कुछ ऑफर का कोड वगैरह मिल गया था। आई लीव दैट कोड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक आउट। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में आप लोग देख सकते हो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। तो लेमन फ्रूट पाउडर, ग्रीन मैंगो पाउडर, पोमेग्रेनेट पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट, रोज पेटल, उसके बाद एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट भी है, बैम्बू शूट है एंड बार्ले ग्रास लीफ पाउडर है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पिनिच है, स्पीरुलिना है एंड होली बेसिल लीफ एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक, सब कुछ है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, मतलब मेडिकल एक्सपर्ट्स के सलाह पे ये वाला प्रोडक्ट ले। तो यहाँ पे नेचुरल विटामिन सी का क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है एंड इट इज़ जस्टिफाइड कि हाँ विटामिन सी के प्रेजेंस में हम लोग के स्किन कोलेजन को बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर पाती है। तो दिस इज क्वाइट जस्टिफाइड, आई मीन दिस प्रोडक्ट इज क्वाइट जस्टिफाइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और इसका क्या बेनिफिट्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेयरी फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलर्स, नॉन GMO है, बाय इट्स नेचर इट इज ग्लूटेन फ्री, जीरो एडेड शुगर्स है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिया हुआ है, रिकमेंड 1 serving per day, स्टेप्स 200 ml कोल्ड वाटर में हम लोगों को 6 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट विगोरसली मिक्स करना है टिल इट बिकम्स यूनिफॉर्म एंड उसके बाद लेना है।
तो यहाँ पे मैंने 200 ml का नॉर्मल वाटर ले लिया है। उसमें मैं अराउंड मतलब 1 टेबल स्पून का पाउडर यूज़ करूँगी। मैंने इसको वेट मशीन में मेजर कर लिया है, तो अराउंड 6 ग्राम, ऐसे इतना पाउडर अराउंड 6 ग्राम होता है। तो इसको इसमें डाल देना है और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि बहुत ही फाइन पाउडर है इसीलिए मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों को मिक्स करना है इसको। तो आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से एक रेड कलर का पाउडर बन गया, जैसे गोल गप्पे का वाइट मीठा पानी जो रहता है वैसे टाइप का बन गया है। और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब जैसे आपको लगेगा ही नहीं कि आप लोग कोई मतलब हेल्थ ड्रिंक वगैरह ले रहे हो, मतलब लगेगा कि गोल गप्पे का मीठा पानी हम लोग ले रहे हैं। तो ये ऐसी दिखती है। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं इसका बेनिफिट्स और मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ कैसा रहा, वो ही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या है, प्रोडक्ट का क्वांटिटी, इतने प्राइसिंग में क्या क्वांटिटी मिलता है, कैसे लेना है। यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ मैंने वैसे ही आप लोगों को बोला है, एंड कितने बार लेना है दिन में, कब ले सकते हैं इसको। तो अदर बेनिफिट्स आर, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। इससे पहले जो प्रोडक्ट का ब्रांड क्लेम करती है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये एक कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है, तो जो लोग ग्लूटेन फ्री डाइट प्रेफर करते हैं वो भी इसको ले सकते हैं। इसमें नो डेयरी एडेड, मतलब ये डेयरी फ्री है। तो जो बेसिकली डेयरी फ्री डाइट भी लेते हैं, मतलब जो वीगन है वो भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। प्रिजर्वेटिव नहीं है, बिल्कुल 100% प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स है इसमें, एंड जीरो एडेड शुगर है, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और स्वीटनेस एडेड। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट का ब्रांड क्लेम करती है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग अ गुड स्किन। इसको ये स्किन को हाइड्रेटेड रखने में भी हेल्प करती है कम्प्लीटली विद द गुडनेस ऑफ आयुर्वेद। सो कमिंग टू माई एक्सपीरियंस विद दिस प्रोडक्ट हैज़ बिन गुड सो फार। तो मैं इसको अराउंड 14 दिन से ले रही हूँ, मतलब मैं यहाँ से 14 दिन से नहीं ले रही हूँ। मुझे इंस्टेड ऑफ 250 ग्राम एक ट्रायल पैक रिसीव हुआ था, फिर कंप्लेन करने के बाद ये 250 ग्राम वाला बॉटल मुझे रिसीव हुआ है। तो मैं पहले ट्रायल पैक खत्म कर ली थी, उसके बाद मैंने ये वाला बॉटल से स्टार्ट किया है। तो ये वाला बॉटल से मैं अराउंड 6 से 7 दिन से ये वाला बॉटल से कंज्यूम कर रही हूँ। उसके पहले मैंने 7 डेज तक वो वाला जो ट्रायल पैक था उसको कंज्यूम किया है। तो इसको लेने के बाद मुझे लगता है कि आई फील मोर एनर्जेटिक, मतलब मेरा बॉडी काफी फुल ऑफ एनर्जी लगता है मुझे। एंड इसके साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि यू कैन सी द ग्लो इन माई फेस। मैंने कोई भी मेकअप वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है अपने स्किन पे, जस्ट मतलब फेस वॉश करके एक हल्का सा मॉइस्चराइजर एंड लिपस्टिक, कोई भी मेकअप फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया, मतलब यूज किया है। और जो जो छोटे छोटे मतलब स्पॉट्स थे वो भी हल्के होते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब इतना जल्दी काम नहीं करेगा, लेकिन माई स्किन फील्स ग्रेट एंड हाइड्रेटेड दिस डेज। तो मुझे कोई मेकअप वगैरह का जरूरत नहीं होता है इसको यूज करने के बाद। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, काफी हद तक हेयर फॉल भी रिड्यूस हुए हैं। मतलब मैं नहीं कहूंगी कि पूरा एकदम हेयर फॉल का इश्यू चला गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पहले 60 बाल्स गिरते थे दिन में, तो अभी वो रिड्यूस होके 50 तक आ गए हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मुझे ये वाला डिफरेंस नोटिस करने में आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं अपने लाइफस्टाइल में एक हेल्दी डाइट इनकॉर्पोरेट की हूँ, एंड ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट फॉर अराउंड 30 to 45 minutes डेली। लेकिन कभी कभी मिस हो जाता है, तो दैट इज गुड, मतलब थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए, और घर का काम रहता है, ऑफिस का काम रहता है, सब कुछ मिला के तो आई फील वेरी एनर्जेटिक दिस डेज। तो अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें, तो बेसिकली अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप कच्चा लेते हो तो डेफिनेटली आपको कम पड़ेगा, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो डेली बेसिस पे हम लोग के लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना इट इज़ नॉट दैट ईजी। लेकिन कच्चा लेते हो तो डेफिनेटली आपको लेसर प्राइस पड़ेगा। तो ये 250 ग्राम आपको 899 में पड़ता है, लेकिन आप अगर कच्चा कैरेट लाते हो, या फिर कच्चा स्पिनच, या फिर कच्चा आंवला लाते हो, तो डेफिनेटली आपको 40 to 50 rupees पर किलो में आपको सारा चीज मिल जाएगा। लेकिन और एक बात है कि अभी जहाँ पे मतलब घर का काम थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेज एंड ऑल पे डिपेंडेंट नहीं है आजकल,
तो वहीं पे सारा चीज़ों का जूस निकालना या फिर मतलब उसको मतलब डेली बेसिस पे इतना सारा इंग्रेडिएंट्स लेना, तो वो काफ़ी इम्पॉसिबल चीज़ है। तो डेफिनेटली अगर मुझे कोई पूछे कि इफ़ आई वॉन्ट टू रिपर्चेज दिस, डेफिनेटली आई वॉन्ट टू रिपर्चेज दिस, और मैं अपने इसके मतलब डेली बेसिस पे मैं इसको कंज्यूम करना भी पसंद करती हूँ। इसका टेस्ट कैसा है मैं बोलूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए आपको, चीनी वगैरह या फिर हनी एंड ऑल, मुझे ऐसा ही इसका टेस्ट अच्छा लगता है। मतलब कुछ भी साथ में डालना मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है गोलगप्पे जैसा पानी, मतलब मीठा पानी जैसा मिलता है गोलगप्पे के साथ, वैसा टाइप का टेस्ट आता है मुझे इसमें। तो डेफिनेटली मैं इसको इनकॉर्पोरेट करूंगी। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड कर सकती हूँ कि जो लोग लेट 20s में पहुंच गए या फिर 30s में पहुंच गए हैं, तो डेफिनेटली कोलाजन बॉडी प्रोड्यूस करना कम कर देती है, तो डेफिनेटली यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस इन योर लाइफस्टाइल एंड इन योर डाइट। तो और एक चीज़ मैं जो यहाँ पे बताना चाहूंगी कि एज पर द इंस्ट्रक्शन, ये दिन में एक ही टाइम लेना है हम लोगों को, दो टाइम या फिर 3 टाइम नहीं लेना है, क्योंकि कुछ भी एक्सेस में अच्छा नहीं है। मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना चाहो तो इंस्टेंट आपको वेट गेन दे देती है। तो सब कुछ बैलेंस रहना चाहिए। तो ये भी हम लोगों को दिन में एक ही बार लेना है, क्योंकि काफ़ी गर्म तासीर की चीज़ें इसमें यूज़ हुई है तो बॉडी को गर्म कर देगी। तो ये आप ध्यान में रहे कि आपको दिन में एक ही बार लेना है, या फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के में लिखा हुआ है कि ये खाली पेट भी आप लोग ले सकते हैं एंड आप इवनिंग के टाइम पे भी इसको ले सकते हैं। लेकिन मैं इसको क्या करती हूँ, तुरंत ब्रेकफास्ट के बाद मतलब पानी पीना होता है, थोड़ा सा हाफ ग्लास पानी पीती हूँ एंड उसके बाद मतलब 5-10 मिनट बाद मैं इसको 200 ml मतलब प्लेन वाटर में इसको 6 ग्राम मतलब अराउंड टेबल स्पून मैं इसको लेके अच्छे से मिला के फिर इसको ले लेती हूँ। और एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ वो है, ये स्पेशली क्राफ्टेड फॉर वीमेन है, लेकिन मुझे लगा कि ये सब लोग ले सकते हैं, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ मेन वीमेन सभी इसको ले सकते हैं। एंड यहाँ पे स्पेशली क्राफ्टेड फॉर वीमेन इसीलिए है क्योंकि वीमेन्स का जो बोन्स है वो काफ़ी जल्दी वीक हो जाता है एंड वीमेन्स काफ़ी जल्दी आयरन डिफिशियंसी से सफ़र करते हैं, क्योंकि वी गेट पीरियड मतलब वी मेंस्ट्रुएट, सो इसीलिए आयरन की जो कमी है या फिर कैल्शियम की जो कमी है जिसकी वजह से बोन्स वीक हो जाते हैं, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे कई सारे ऐसे यूजफुल इंग्रेडिएंट्स ये लोगों ने यूज़ किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली क्राफ्टेड फॉर वीमेन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना। एंड इफ यू आर न्यू ईयर, हाय दिस इज तानिया, आई मेक वीडियोज रिगार्डिंग प्रोडक्ट रिव्यूज एंड रेसिपीज एंड वेरी सुन आई विल बी शेयरिंग व्लॉग्स एज वेल। तो इफ यू आर न्यू ईयर प्लीज मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन बिसाइड इट सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, बाय बाय।